धन्यवाद श्री रमेश राणा जी। आप पत्रकार मित्रों का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे आग्रह पर आप यहां पर इकट्ठे आए हैं। हमारे मध्य में श्री जगदेव जी, श्री बलदेव जी, मालविका जी, शोभा डढ़वाल जी और श्रीमती मनकोटिया जी, श्रेष्ठा जी, उपस्थित पत्रकार मित्रों, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आज के राजनीतिक परिदृश्य की तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश उस दौर से, उस हालात से निकल रहा है जहां पर आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। दूसरा मेरा कांग्रेस की सरकार के ऊपर आरोप है कि श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में कहीं पर भी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। यहां पर पिछले लगभग 22 महीनों में हिमाचल प्रदेश में माफिया राज, और मैं माफिया का जिक्र करूं तो चाहे वो जमीन का माफिया है, चाहे वो शराब का माफिया है, या अपने मित्रों को उन जगह पर बिठाना, वो भी एक तरह का कुनवा है, एक तरह का वो परिवार है। और खनन माफिया दिनों दिन हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, और कानून व्यवस्था की तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो इतना कहना चाहता हूं, दिनों दिन, हर दिन चोरी, डकैती, लूटपाट की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ मैं गंभीरता की बात कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश के लोगों की गंभीरता के कारण हिमाचल प्रदेश में का नाम पूरे देश में है, परंतु जिन लोगों के सहयोग से यह कांग्रेस की सरकार बनी है उनकी पूरे देश में खिल्ली उड़ाई गई है। वो कांग्रेस के नीतिगत निर्णयों के कारण हुआ है। और सबसे बड़ा आरोप कि कुछ दिन पहले टॉयलेट टैक्स की बात कही गई, भाजपा ने, समाज ने उठकर के उसका विरोध किया तो उसको रद्द नहीं किया गया, उसको होल्ड पे रखा गया है। कभी जलेबी की फैक्ट्री की बात कांग्रेस के नेता कहते हैं जिनको यह पता नहीं कि जलेबी कैसे बनती है, वो उपहास ही तो है। और सबसे बड़ा उपहास कल हमने क्या देखा कि समोसे के ऊपर जिस तरीके से व्यंग्य कसे जा रहे हैं, यानी सीआईडी के हेडक्वार्टर पर मुख्यमंत्री जी किसी कार्यक्रम में जाते हैं और उनके लिए कुछ वहां समोसे, कुछ केक्स, चाय मंगवाई जाती है और वो बीच में ही कहीं पर लुप्त हो जाते हैं। पता ये चलता है कि वो पुलिस विभाग के अधिकारी या मुख्यमंत्री जी के कर्मचारियों के द्वारा ही वो आओ भक्त में जो समोसे मांगे मंगवाए गए थे वो खा लिए गए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु उसके बाद क्या होता है कि एक जांच करने की उच्च स्तरीय कमेटी बिठाई जाती है और उस पर जांच निर्धारित की जाती है, रिपोर्ट बन जाती है, पुलिस के एक उच्च अधिकारी का नाम आता है, उसको फटकार लगाई जाती है, उसको हिमाचल विरोधी कहा जाता है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, यानी हिमाचल प्रदेश का पुलिस विभाग, सीआईडी विभाग, जिसके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, वो अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, परंतु जांच समोसे के ऊपर हो रही है। और ये पूरे का पूरा मुद्दा नेशनल चैनल में भी कवर हुआ है, ये मुद्दा अखबारों में भी फ्रंट पेज पर कवर हुआ है, ये मुद्दा आपने भी कवर किया है। इसलिए कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल है, अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं।
पिछले 22 महीनों में लगभग 30,000 करोड़ रुपया लोन ले लिया गया, 91,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूब गया, परंतु अपने सरकार में उन लोगों को चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ओएसडी, एडवाइजर पर नवाजा जा रहा है, वहां पर खर्चों की कमी नहीं हो रही है। और पिछले दिनों बिजली विभाग में जेई, एसडीओ और एक्सचेंज पद समाप्त कर दिए गए, 81 ड्राइवर निकाल दिए गए, और जो 2 साल से पद खाली थे उनको खत्म करने का अधिसूचना जारी कर दी, जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में कहती थी कि हम 5 सालों में 5 लाख रोजगार देंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और मुख्यमंत्री भी गंभीर नहीं है। अब तो हवा पर टैक्स नहीं लग रहा है, जमीन, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर, उपभोक्ता वस्तुएं महंगी हो गई है, ये मैं यहां पर आरोप लगाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप हिमाचल प्रदेश के चुने हुए लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं, हिमाचलियों का उपहास मत बनाओ। तुम्हारा फेस जो है और तुम्हारी गलत नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश देश में ही नहीं पूरी दुनिया में लज्जित हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। हाई सर, जैसा कि भाजपा द्वारा जो उठाया जा रहा है मुद्दा समोसे को लेकर, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये कहा है कि हमारी पार्टी ने जब से 40 सीटें पार की हैं तो भाजपा जो है ये बचकानी बातें कर रहा है, इसका कोई भी सरोकार नहीं है किसी भी मुद्दे से, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप HRTC की बस में सफर करेंगे और 40 किलो से अधिक वजन होगा तो 2 टिकट ली जाएंगी, 21 किलो से होगा तो 1 टिकट ली जाएगी, कैरी बैग होगा तो उसका भी चार्जेस फिक्स होंगे, ये तो अधिसूचना जारी हुई है। उसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि टॉयलेट टैक्स की अधिसूचना जारी हुई थी, और ये जलेबी का मामला, जलेबी से लेकर के और समोसे का जो मामला है, ये CID की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, ये तो लीक हुई है। इसलिए हम निराधार बातें नहीं कह रहे हैं, भाजपा गंभीर है, भाजपा गंभीरता के साथ वक्तव्य करती है। इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अनुभवहीनता के कारण हिमाचल प्रदेश का पूरे देश में अपमान हो रहा है, कृपया करके निर्णय लेने से पहले उस पर मंत्रिमंडल और अपने विधायकों से जरूर चर्चा कर लिया करें, परंतु मुख्यमंत्री जी आपके तो मंत्री भी आपसे छिटक रहे हैं, विधायक तो दूर बैठे हैं, टब्बर संभाला नहीं जा रहा, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए जो आरोप भाजपा लगा रही है, भाजपा की लीडरशिप लगा रही है, वो सोच समझ करके लगा रही है, ये कहना चाहता हूं।